नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी परीक्षा चल रही, अभी तीन शिफ्ट आपके हो चुके हैं और तीनों शिफ्ट में आप देखिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार बड़ा ही चुनिंदा टॉपिक बन चुका है। अभी आज सुबह वाली में यानी 24 की जो सुबह शिफ्ट रही उसमें भी आपका 22 वाला पूछा गया, कल सेकेंड शिफ्ट में 23 के सेकेंड शिफ्ट में भी, 23 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया। तो आगे भी जो आपकी शिफ्ट है उनमें भी इनसे एक सवाल आपका पूछना ऐसा लग रहा है कि जरूर पूछेगा, एक संभावना बन रही है। तो आइए उसी के बारे में, जितने भी आपके अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, उनको एक बार हम लोग सरसरी नजर से देख लेते हैं और सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसकी जब हम शुरुआत से जो है अभी लेटेस्ट वाली चीजें पहले जब हम बात करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट वाली जो आपके अवार्ड हैं इनको जब आप देखेंगे, 2023 की बात करते हैं, इसमें मुझे ये पहचानो एक उपन्यास है, ठीक है, किसके, इसके लेखक जो हैं ये संजीव जी हैं। आज आपसे पूछा गया है कि तुमड़ी के शब्द 2022 का जो ये रहा, तुमड़ी के शब्द जो है ये कविता संग्रह और बद्री नारायण जी जो है इसके रचनाकार मिलते हैं। ये आज सवाल आपके 24 के सेकेंड शिफ्ट में, सम्राट अशोक एक नाटक है 2021 में, इसके लिए दया जो है प्रकाश सिन्हा को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2020 में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा है, 2014 में की जो है कविता है अनामिका को यह दिया गया है, अनामिका इसकी लेखिका है। 19 का जो है छीलते हुए अपने को, ये कविता संग्रह है नंदकिशोर आचार्य जी की, इनको दिया गया। 2018 का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये उपन्यास है, चित्रा मुद्गल को इसके लिए दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे 2017 की बात करें तो विश्वामित्र, ठीक है, कथा सरित सागर जो है साहित्यिक समीक्षा है, रमेश कुंतल मेघ को जो है इसके लिए दिया गया है। आगे हम बात करें परिजात उपन्यास है ये, 2016 में नासिर सरिमा को इसके लिए आपका जो है साहित्य अकादमी दिया गया। आग की हंसी ये कविता संग्रह है, 2015 में रामदरस मिश्र को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 14 में विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 में मेलुजल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूं ये कविता संग्रह है, इसके लिए चंद्रकांत देवताले को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2010 में मोहनदास लघु उपन्यास है, इसके लिए उदय प्रकाश को दिया गया। हवा में हस्ताक्षर एक कविता संग्रह है, इसके लिए 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया। 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोहरे में कैद उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को दिया गया। 7 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को दिया गया। 6 में संशय जो है संशयात्मा एक कविता संग्रह मिलती, इसके लिए ज्ञानेंद्र पति को दिया गया। 5 में क्या एक उपन्यास है, इसके लिए मनोहर श्याम जोशी को दिया गया। 4 में दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल को दिया गया। 3 के लिए कितने पाकिस्तान उपन्यास है, कमलेश्वर का जो है, और ये वैसे भी बहुत बार पूछा गया है, बुक एंड राइटर में भी पूछ लिया जाता है। 2 में दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए राजेश जोशी को। 2001 में कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को दिया गया। 2000 में हम जो देखते हैं कविता संग्रह के लिए मंगलेश डबराल को। 99 में दीवार में एक खिड़की रहती उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। 98 में नए इलाके में कविता संग्रह के लिए अरुण कमल को। 97 में अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए लीलाधर जगूड़ी को। 96 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को। 1995 में कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह के लिए कुंवर नारायण को। 94 में कहीं नहीं कहीं कविता संग्रह के लिए अशोक वाजपेयी जी को। 93 में अर्ध नारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को। 92 में ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को। 91 में मैं वक्त के हूं सामने कविता संग्रह के लिए गिरिराज माथुर को। नीला चांद यह भी पूछा जा चुका है 1990 में इस उपन्यास के लिए शिवप्रसाद सिंह को। अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए 1989 में केदारनाथ सिंह को। अरण्या कविता संग्रह के लिए 1988 में नरेश मेहता को। 1987 में मगध कविता संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा को। 1986 में अपूर्वा कविता संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को। 1985 में कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को। 1984 में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को। 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। 82 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग जो है हरिपर शंकर परसाई जी की, इसके लिए। 81 में ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह के लिए त्रिलोचन को।
80 में जिंदगी नामा जिंदगा जो है जिंदाए रूप उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को, 1979 में कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए धूमिल को, 78 में उतना वह सूरज है कविता संग्रह के लिए भारत भूषण अग्रवाल को, 77 में चुका भी हूं नहीं मैं कविता संग्रह के लिए शमशेर बहादुर सिंह को, 76 में तेरी मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को, 75 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को, 74 में मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को, 73 में आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, 72 में बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को, और 71 की बात करें तो कविता के नए प्रतिमान समालोचना है नामवर सिंह की, निराला की साहित्य साधना 1970 में इस जीवनी के लिए रामविलास शर्मा को मिला, 69 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को, दो चट्टाने कविता संग्रह के लिए 68 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, अमृत और विष यह भी पूछा गया है शायद 23 के फर्स्ट चैप्टर में, 1967 में जो है अमृतलाल नागर को दिया गया इसके लिए, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 66 में जैनेन्द्र कुमार को दिया गया, रस सिद्धांत काव्य शास्त्र के लिए 65 में नागेंद्र जी को दिया गया, 64 में आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के लिए अग्रेय जी को दिया गया, 63 में प्रेमचंद कलम के सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को दिया गया, 61 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को, 1960 में कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को, और संस्कृत और के चार अध्याय भारतीय संस्कृत के सर्वेक्षण के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1969 का दिया गया, 58 में मध्य एशिया के इतिहास के लिए राहुल संकरतायन को, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 का आचार्य नरेंद्र को, 1956 पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को, और 1955 हिम तरंगड़ी कविता संग्रह के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को, यह भी पूछा गया है। तो इसको एक नजर आप सरसरी नजर से देख लेंगे, खासतौर पर जो स्टार्टिंग वाले आपके हैं, ठीक है, उधर लेटेस्ट वाले मतलब आप जो है 19 से लेकर के, ठीक है, और इधर जो शुरुआत वाले हैं इनको आप देख लिए, और मेन मेन जैसे ये मैंने बताया, तो इसमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसको जो है किसके लिए, कविता संग्रह उपन्यास है तो उपन्यास के लिए, क्योंकि किताबें जो पूछी जा रही इन्हीं से पूछी जा रही, तो मिला जुला मतलब एक के साथ दो तीन आपके टारगेट हो जाएंगे फिक्स। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आनी होगी वो लेकर आपके सामने आऊंगा, इसको मस्त तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, खुद शेयर जो है लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए, और कुछ अच्छे अच्छे प्यारी सी बात कह के जाइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।